तो गाइस आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्रांड न्यू एपिसोड। और आप लोग 20s किड हो या 90s किड हो तो तुम लोगों को पता होगा ड्रैगन बॉल जी के बारे में और ये हमारे सुपर सैयन गोकू के बारे में और उसके सामने खड़ा पिकोलो के बारे में। अगर नहीं जानते हो सुपर सैयन के बारे में, ड्रैगन बॉल जी के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखना और इस सीरीज को देखना और गेम प्ले तुम लोगों को मजा आएगा। कब तक आप लोग GTA 5 पबजी वगैरह देखोगे यार, नया नया गेम प्ले देखना शुरू कर दो। इसीलिए मैं ला रहा हूँ ड्रैगन बॉल जी सीरीज इन 2024, जिसमें आप लोगों को तबाही मजा आने वाला है, जिसमें आप लोग देखोगे कैसे हम लोग गॉड लेवल के सुपर सैयन बनते हैं और कैसे हम लोग तगड़े तगड़े अपोनेंट को हराते। जैसे यहाँ पर हमारा तगड़ा अपोनेंट है पिकोलो, यहाँ पर हमारी फाइट शुरू हो रही है पिकोलो के साथ। और तुमको पता होगा पिकोलो बहुत ही पहला राइवल था भाई हमारे गोकू का, गोकू को हराने के लिए पीछे पड़ा था वो, बट हमारा गोकू जो सुपर सैयन है गाइस तुम लोगों को पता ही। और यहाँ देखो मेरी फाइट है पिकोलो के साथ और लेवल 1 में भी हम लोग है, राइट नाउ लेवल 1 पे ही चल रहे हैं। बट इन फ्यूचर जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लेवल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हम लोग पावर इंक्रीज करेंगे, पावर जनरेट करेंगे, वैसे वैसे गेम में और मजा आने वाला है। यहाँ पर अलग तरीके के फाइट तुमको देखने मिलने वाला है गाइस, गॉड लेवल के फाइट तुमको देखने मिलने वाले, जैसे कि हमारा सुपर सैयन कामयाब हाँ दे रहा है गाइस। हमारा गोकू वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, तुम लोग मानो या ना मानो भाई पर्सनल फेवरेट है मेरा गोकू। और यहाँ पर देखो सामने पिकोलो भी बहुत टफ फाइट दे रहा है, बट तुम्हारा भाई मास्टर है गेम्स में, क्योंकि भाई पहले बहुत देखा करता था, मैं भी लिटरली देखता हूँ कभी कभी, बहुत तगड़ा मजा आता है क्योंकि मेरे को हाँ मजा आता है देने को गाइस। कभी कभी उल्टा सीधा बोल दूं तो इग्नोर करना, राइट ना तुम लोग देखो। और ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं, गेम प्ले मैंने ऑलरेडी खेल चुका हूं, ये वॉइस ओवर हो रहा है इसलिए ऊपर नीचे भी होगा तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। अगर आप लोग चाहते हो गेम प्ले के साथ मेरी ऑडियो मैच हो तो अगर मैं उस टाइम खेलूं उसी टाइम ऑडियो रिकॉर्ड करूं तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तब जाके मुझे लग रहा है ना लाइव फीलिंग आएगी मेरे अंदर से, क्योंकि मैं फाइट कर रहा था लिटरली बहुत तगड़ा, मेरे को मजा आ रहा था। यहां देखो फुल पावर में आ चुका है पिकोलो गाइस, ओ भाई अटैक करने वाला है, डेमन डैश करने वाला, भाई स्लैश करने वाला, तो भाई बच जाओ, यहाँ पर पिकोलो मरने वाला ऑलमोस्ट 57 की उसकी एचपी बची, एक फटका मारू आना गाइस लिटरली ये खत्म होने वाला है। फिर से आ रहा है डीमॉन स्लैश, लेट्स गो उसके पास चलते और बॉडी शो मारते जिससे भाई एक फटका मारू आना उसके पेट के अंदर की भाई उसका थोड़ी थोड़ी बाहर आने वाली, लेट्स गो उसके पास तो आ चुका हूँ, ये मोमेंट है लेट्स गो। यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया पिकोलो को, मैंने पहले हरा दिया गाइस और ये तगड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये एपिसोड में हम लोग फाइट करने वाले गोकू के बड़े भाई जिसका नाम है रेडिट्स। और यहाँ देखो भाई ये आया पिकोलो का अटैक और हमारा कामेहामेहा लेट्स गो। और यहाँ पर तुम्हारे को पता तुम्हारा भाई जीतने वाला है, लेट्स गो पब्लिक, कैसी लगी वीडियो। और उसी बीच यहाँ पर एंट्री हो रही है बड़े भाई की गोकू की, ये है गाइस रेडिट्स। तुमको पता है सुपर सैयन का एक अलग प्लेनेट हुआ करता था, तो वो प्लेनेट अभी नहीं रहा है, उनमें से ये तीन बचे हैं और ये जो दो तुमको इस तरफ दिखाई दे रहे जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा वो रिवील होगा बाद में। अगर तुम ट्रू ड्रैगन बॉल जी फैन हो तो तुमको पता होगा ये दोनों कौन है, मुझे तो पर्सनली पता ये दोनों कौन है, बट जो बीच में खड़ा है वो है गोकू का भाई। और ये तीनों लास्ट बचे हैं सैयन के लिए और यहाँ पर फाइट कर रहे हैं सैयन के लिए, बट जब ये बीच में बोलता है कि एक और सैयन जिंदा है जो कि प्लेनेट में रहता है, तो वो कहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ उसको लेकर आ, तो हमारे साथ चौथा पार्टनर जिससे हम लोग और पावरफुल बन जाएंगे और सैयन की प्रजाति को बढ़ाएंगे। इसलिए ये रेडिट्स जाता है अर्थ प्लेनेट की तरफ गोकू को लेने के लिए और उसके बेटे गोहान को लेने के लिए। और गोहान कौन है तुमको नहीं पता है तो अभी तुमको बताता हूँ गोहान कौन है। बट यहाँ पर देखो ये बातें चालू है तीनों के बीच में और ये जो पर्पल ड्रेस में खड़ा है ना पूरे कपड़े पहन के, ये है द गॉड ऑफ सैयन्स, लिटरली द प्रिंस ऑफ सैयन्स। जितने भी सैयन्स है ना पूरे दुनिया में थे ना उनका ये प्रिंस है गाइस, लिटरली बता रहा हूं तुमको। इसका जो पावर लेवल है ना ये गोकू को मैच करता है गाइस, इसकी जिद है पावरफुल बनने की गोकू से ज्यादा। बट ये तुमको पता है गोकू इज अ हीरो ऑफ दिस कैरेक्टर गेम प्ले और सीरीज में भी, इसीलिए गोकू नेक्स्ट लेवल होता है। ये है गाइस रेडिट्स और ये जा रहा है प्लेनेट अर्थ की तरफ क्योंकि इसको चाहिए गोकू प्लस गोहान जो इसके साथ टीम कर लेंगे और बाद में इन लोग जो सुपर सैयन्स बन के दुनिया पर राज करने वाले। बट इसको नहीं पता है कि ये अपनी मौत के पास जा रहा है। यहाँ पर गाइस शुरू होने जा रहा है अटैक ऑफ द सैयन्स। तो गाइस ये है हमारा गोकू और उसके गोद में तुम लोग देख सकते हो ये है उसका बेटा गोहान, ये छोटा सैयन है और इनको लेने के लिए रेडिट्स आ रहा है प्लेनेट अर्थ की तरफ। और राइट नाउ इन लोग जा रहे कामे हाउस की तरफ। कामे हाउस तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं तुमको बताता हूँ, सारे दोस्त गोकू
टीपू के वही पर रहते हैं और यहाँ पर हमारा सेयन दे रहा है उसके बेटे को ये टोपी और टोपी के ऊपर एक बॉल होगा। गाइज अगर तुम लोगों बॉल को देख कर समझ गए हो क्या वो क्या चीज है तुम लोग ओपी हो, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तुम लोगों ने गोकू सीरीज और ड्रैगन बॉल जी सीरीज नहीं देखी तो मैं तुमको बता तुम्हारा भाई है ना, इसीलिए तो मैंने ये सीरीज शुरू करी कि तुम लोग एक्सपीरियंस कर पाओ कि जो मैंने और जो ड्रैगन बॉल जी के फैंस हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस चीज को कि ये भाई कितना मजा आता था हम लोग को देखने में। तो जैसे तुमको बता दो ये होता है ड्रैगन बॉल, इसके अंदर बहुत छुपी शक्ति होती है गाइस, लिटरली तुमको बता रहा हूँ, ये तुमको पता चलेगा आने वाले एपिसोड के अंदर कि इसके अंदर ऐसी क्या पावर है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गेम और इसलिए सीरीज में, तो इसीलिए इसको ड्रैगन बॉल्स कहते हैं। ऐसे एक नहीं बहुत ड्रैगन बॉल्स होते वो तुमको बाद में पता चलेगा, तो अभी राइट नाउ इसको चीची को बाय बोलते चलते फटाफट कामे हाउस की तरफ जहां पर हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। ये देखो गाइस कामे हाउस है। हाँ मैं तुमको बता तो ये जो कन्वर्सेशन हो रही जो बातें हो रही ना उसको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड भी कर देंगे स्किप भी कर देंगे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि गेम प्ले बहुत बड़ा हो, इसीलिए अपन स्किप करके जो मेन पार्ट होगा ना वही तुम लोग को मैं दिखाने वाला था। साथ में अपनी फाइट हो रही क्रिलिन के साथ, ये एक गोकू का दोस्त है भाई, बहुत टाइम से दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे और ये इसीलिए गोकू को कभी हरा नहीं पाया आज तक, बट ये भी पावरफुल है। राइट नाउ मेरी फाइट क्रिलिन के साथ चल रही है, गोकू भी लेवल 2 का क्रिलिन भी लेवल 2 का है और ये देखो पावर में इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे मैं पावर इंक्रीज करता हूँ अपनी जो पावर की शक्ति एक साथ लाता हूँ ना गाइस, उसके बाद मेरे अंदर की पावर बाहर निकलती है और बहुत तगड़ा मजा आता है लिटरली गाइस, बहुत मैं फाइट करते जो मजा आ रहा था ना, मैं देखता था टीवी में क्या खतरनाक गोकू फाइट करता था और यहाँ पर मैं खुद फाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हें बहुत तगड़ा मजा आ रहा है। पर क्रिलिन भी तुम देख सकते हो गाइस मेरे को टफ फाइट दे रहा है, बट क्रिलिन मरने वाला है। जैसे ये देखो गाइस पावर इंक्रीज करने का टाइम आ चुका है, बट टाइम पूरा भी इंक्रीज करने भी नहीं दिया उसने मेरे को। लेट्स गो इसको फिनिश करते भी बहुत हो गया, इसको फटाफट फिनिश करके गेम खत्म कर दे। अबे भाई कामयाब मुझे लग चुका है बट कोई बात नहीं, अपने पास बहुत ज्यादा पावर है। लेट्स गो टाइम टू फिनिश, लेट्स गो इसको फिनिश कर दिया। बट एक मिनट रुको, ये हमारे सेयन को ये क्या दिख गया? तो गाइस जैसे कि तुमको पता है मैंने कहा था रेडिट्स आ रहा है प्लेनेट अर्थ की तरफ, तो गाइस ये है वो रेडिट्स। तो चलो चलते रेडिट्स की तरफ और मैं तुमको दिखाता हूं रेडिट्स के अंदर क्या पावर है। तो ये देखो गाइस एक नॉर्मल एरिया में आके गिरता है शिप जो कि है हमारे रेडिट्स गोकू के बड़े भाई का और यहाँ पर तबाही मचने वाली लिटरली गाइस, इसको हराने के लिए ना बहुत ज्यादा पावर लगने वाली है भाई। स्वाभी इतना तगड़ा पावरफुल बंदा है ना, ये सोचो ये तो भाई जो दो तुमको मैंने दिखाए थे ना उन लोगों से कमजोर है फिर भी इतना पावरफुल है, सोचो वो दोनों कितने ज्यादा पावरफुल रहने वाले, ये तो भाई तगड़ी वाली बात है। तो ये रहा गाइस रेडिट्स जो कि गोकू का बड़ा भाई है और ये विलन है तुमको पता है, ये आया है गोकू को लेने के लिए। और ये देखो पिद्दी ह्यूमन इसको मारने लेके आया गन और गन से क्या होने वाला है भाई साहब, तू एक सेयन के सामने खड़ा है और भाई इसका लुक देखो कितना ज्यादा मसल बिल्ड वगैरह किया है ना, इतने लंबे लंबे बाल। और ये बात तुमको बताता जो उसने चश्मा पहना है वो चश्मा ना एक बहुत ही खतरनाक चश्मा है, वो चश्मे पहनने के बाद ना सामने वाले की बंदे की एनर्जी और उसका पावर लेवल बताया जाता है कि वो कितना पावर का है। जैसे कि ये बोल रहा है कि सामने वाला इंसान 5 का पावर का है, तो मतलब इसके लिए तो भाई कुछ भी नहीं है, सब मिसल देगा इतना कम लेवल का है। तो जैसे इसके लेवल पे रेडर में दिखेगा ना कि पावरफुल है ये उस तरफ भागते जाता है क्योंकि इसको हराना और को पकड़ के लेकर जाना है। ये देखो गाइस को कहते हैं ना पावर, एक ही झटके में गोगन को गोली को पकड़ लिया मार भी दिया। तो यहाँ से भी कहाँ जा रहा है तुमको पता ही है, ये जा रहा है गोकू को ढूंढने के लिए और गोहान को यहाँ से लेकर जाने के लिए अपने प्लेनेट वेजिटा पे जहाँ पर अभी कोई नहीं रहता है, उसके बाकी दो दोस्त रहते हैं। तो लेट्स गो देखते हैं गाइस हम लोग इसको हरा पाते और हमारा पिकलो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसको यहाँ पर एक पावर का अंदेशा होता है कि यहाँ से कोई पावर गुजर रही है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो पिकलो टेंशन में आता है और पिकलो सोचता है कि चलो उससे फाइट लेते क्योंकि पिकलो का भी एक सपना है वो पावरफुल बन जाए और इस दुनिया पे राज कर ले। तुमको पता है गोकू के हर राइवल ना पहले स्टार्टिंग में ना बहुत ही खतरनाक थे, बट गोकू एक इतना अच्छा इंसान है ना बाद में चल के सब उसके राइवल दोस्त बन जाते और सब उसके सामने घुटने टेकने लगते क्योंकि भाई साहब गोकू के अंदर वो गॉड लेवल की पावर आ जाती है ना कि उसको कोई नहीं हरा पाता है। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस अभी मुलाकात होने वाली है पिकलो रेडिट्स के साथ। तो पिकलो पूछता है तो कौन है, तो रेडिट्स बोलता है कुछ भी नहीं फिलहाल, उसको सिर्फ स्ट्रॉन्गर दिखता है। तो यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर पिकलो लेवल 1 का है और वहां पर रेडिट्स लेवल 3 का है। तो मैं कोशिश कर रहा था जितने ज्यादा हो अपन उसको मार सके क्योंकि जितना कॉम्बो में मारूंगा ना उतना ज्यादा डैमेज खाएगा ये बंदा क्योंकि अभी लेवल 3 का है ना, क्योंकि आगे चल के लेवल और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अपन इससे बस थोड़ी दूरियां बना के रहते क्योंकि भाई ये बहुत खतरनाक फाइट करता है। और यहाँ पर देखो कॉम्बो 12 में कॉम्बो को मिस नहीं करना चाह रहा था, कॉम्बो जितना मैं मारूंगा उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उसने ज्यादा चांसेस रहेंगे जल्दी हराने के लिए। बट इसकी स्पीड देखो गाइस क्या खतरनाक
अरुणाथ स्पीड है, मुझे पता है ब्लॉक कैसे करते है। ये इसका स्लो क्या मारा है। पिकलो के पास ना कोई इतनी कुछ खास पावर नहीं है, मतलब दूर से वो लंबे से मार नहीं सकता, उसके पास ही जाना पड़ता है उसको मारने के लिए। लेट्स गो भाई, यहाँ पर रहा बेटा रेडिट्स, कहाँ पर जा रहा है। रेडिट्स ने पावर अप कर लिया, आएगा मारेगा मारेगा। मेरे को लगा ही था, अच्छा वो मैं दूर था, थोड़ा डिफेंस में खड़ा था वरना। लेट्स गो, फायर अटैक करते, फायर ब्लास्ट, लेट्स गो। डैमेज 5-5 का पड़ रहा है, फिर भी लेवल 1 का इसलिए 5-5 का डैमेज पड़ रहा है। बट कॉम्बो देखो, 49 का कॉम्बो मार दिया मैंने। लेट्स गो, मेरी स्पीड बढ़ रही, इंक्रीज हो रही है। लेट्स गो, ब्लास्ट कर दिया मैंने वेव ब्लास्ट, इसी के साथ उसके एचपी धड़ाधड़ कम हो रही है। इसको हराएंगे गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो। 64 का डैमेज, मतलब कॉम्बो का डैमेज यार, ये बड़ा जिसने पावर बढ़ा दिया, मारा मारा। लेट्स गो, डिफेंड करते हैं। पिकलो की ज्यादा एचपी नहीं है तो इसलिए पिकलो को थोड़ा दूर रह के और डिफेंस रह के खेल रहा हूँ मैं। ज्यादा नजदीक जाऊंगा तो ये मेरी चटनी बना देगा, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। इसके सामने पिकलो कुछ भी नहीं है गाइस, मैं तुमको बता रहा हूँ। एनिमे में तो पिकलो को बहुत गंदा मारता ही है, यहाँ तो मैं गेम खेल रहा हूँ इसीलिए मैं मार पा रहा हूँ। वरना जो एनिमे सीरीज हुई थी, जहाँ कार्टून सीरीज हुई थी ना, उसमें तो पिकलो को इसने जो धोया है, पिकलो की तो नानी याद आती, इतना गंदा ये पिकलो को मारता है। तो भाई यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट अपन अभी इसको हराने वाले, और अपना तो बहुत ज्यादा पावर बचा है। ये फटके के साथ लेट्स गो, इसको फिनिश कर दिया। बट यहाँ पर इसको और ज्यादा पावर का अंदेशा हो जाता है, और उसको पता चल जाता है कि गोकू कहाँ पर रहता है। गोकू का नाम असली में होता है कैकारोट, तो उसके माँ बाप रखते प्लेनेट वेजिटा में। तो इसीलिए गाइस, ये रहा कामे आउट, जहाँ पर हमारा रेडिट्स आ चुका और ये बोलता है कि भाई तू कैकारोट है, तू गोकू नहीं है, तू मेरा भाई है छोटा, तेरे को यहाँ पर भेजा था प्लेनेट अर्थ पे कि तू यहाँ पर आके सबको डिस्ट्रॉय कर देना, यहाँ पर एक भी इंसान जिंदा नहीं रहना चाहिए। बट जब गोकू बचपन में आता है ना यहाँ पर, तो वो विलन रहता है, बट यहाँ पर आने के बाद वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। तो यहाँ पर रेडिट्स बोलता है कि भाई मेरे को गोवान को लेकर जाने दे, तो बट तुमको तो पता ही है बाप का प्यार, तो आ जाते गुस्सा हमारे गोकू को, यहाँ पर हमारी फाइट शुरू हो जाती है रेडिट्स के साथ। और अब अपनी पूरी कोशिश रहेगी रेडिट्स को हराने के लिए, बट तुमको पता है ये तो गेम है, बट स्टार्टिंग में यहाँ पर रेडिट्स को हराना मतलब इम्पॉसिबल है। तुम्हारे भाई ने प्रैक्टिस कर ली कि कैसे हराना है, कैसे कॉम्बो मारना है, कैसे अटैक करना है, कब कामे हामे मा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखो भाई क्या फटका मारा है, लेट्स गो। यस गाइस, डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा है तुम्हारा भाई, और मुझे लग रहा है ये आया साइक्लोन मंडे। भाई क्या गंदा उसने मारा, पावर अपग्रेड करते हैं, लेट्स गो। यस, पावर पूरी अपग्रेड हो चुकी है, अब तो तू गया बेटे रेडिट्स, आजा ले बेटा ये फटका। मैंने कहा था ना मेरी पावर अपग्रेड होगी वैसे ही तेरी की, तो बैंड बजा दूंगा। अभी कहा गायब हो गया भाई साहब, क्या गंदा उसने मारा है भाई साहब, उठने की हिम्मत नहीं रही गोकू की। अबे यार बहुत तगड़ा मारा है, लिटरली गाइस बहुत तगड़ा मारा है उसने भाई। रेडिट्स ने क्या फटका मारा है, गोकू को नीचे गिर गया गोकू आके, और ये लेकर जा रहा है गोहान को, और ये मुझे बोल रहा है कि भाई अगर तुझे गोहान वापस चाहिए तो तू इस अर्थ को तबाही मचा दे, और मेरे साथ चल, तू चल वेजिटा प्लेनेट, जहां पर तुझे मिलाऊंगा मेरे बाकी दो पार्टनर से, तो अगर हम चारों मिलके हराएंगे इस दुनिया को और कब्जा कर लेंगे और सेहन की राज जगाएंगे। तो ये तो गोकू से मान्य नहीं है, और गोकू कभी करने वाला भी नहीं है, तो इसीलिए तुमको पता अभी क्या होने वाला है, अभी होने वाला है फाइट। और उसी बीच में यहाँ पर एंट्री होती है पिकोलो की, और यहाँ पर पिकोलो को देख के गोकू थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई ये कैसे आ गया यहाँ पर, क्योंकि तुमको पता है पिकोलो और गोकू की बनती नहीं थी स्टार्टिंग में कभी भी, वो हमेशा फाइट ही करते थे। लिटरली बता रहा हूँ मैं तुमको, गोकू के सामने पिकोलो उसका एक राइवल था, बट यहाँ पर पिकोलो सजेस्ट करता है कि यहाँ पर हम दोनों मिलकर उसको हरा सकते, इसीलिए हम लोग टीम लेकर जाएंगे। तो गोकू बोलता है इसमें तेरा फायदा क्या है, तो पिकोलो बताता है इसमें मेरा फायदा ये है कि मैं तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, मैं बस उसको हरा के इस दुनिया पे राज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, और हम दोनों साथ मिल जाएंगे, हमारे दोनों की पावर कंबाइन करके हम लोग वो रेडिट्स को हरा सकते हैं। तो गोकू को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए ये दोनों अब जाने वाले बताए हुए जगह पे, जहाँ पर रेडिट्स वेट कर रहा है गोकू और पिकोलो का। उसको पता नहीं पिकोलो आने वाला है, उसको सिर्फ पता है गोकू आने वाला है। वो अपने गोहान को लेकर गया है, जहाँ पर उसका शिप गिरा था स्टार्टिंग में वहीं पर उसको लेकर गया, और वहीं पर उसने रखा है और हमारा वेट कर रहा है, हमें उसके पास जाना है, उसको हराना है। और तुमको पता है हराने के लिए हमको उससे फाइट करनी पड़ेगी, और ये फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है, लिटरली बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। तो चलो अभी चलते यहां से फटाफट उस जगह पे जहां पर हमारा वेट कर रहा है रेडिट्स, और ये हमारा फ्लाइंग निंबस है गाइस। चलो फटाफट चलते हैं गोहान को बचाने के लिए, और यहाँ तुम देख सकते हो अर्थ ड्रीम टीम टू रेस्क्यू, यानी पिकलो और गोकू की ड्रीम टीम आ चुकी है रेडिट्स के बताए हुए जगह पे, और रेडिट्स को अंदाजा हो गया है कि कोई पावर उसकी तरफ आ रही है। और जैसे तुमको मैंने कहा था कि हमारा गोकू और पिकलो भी यहाँ पर कंबाइन फाइट करने वाले, दोनों मिलके फाइट करने वाले, वैसे मुझे पिकलो की जरूरत नहीं है, मैं इसको अकेले ही हरा सकता हूँ। बट राइट नाउ उसकी लेवल 6 और मेरा लेवल 3 है, तो पावर
डिफरेंस और अटैक डिफरेंस भी है, तो यार ट्राई करते कामे आमे आ भी मिस कर दिया। तुझे पता है भाई कितना ज्यादा टाइम लगता है कामे आमे आ मारने को, तू कामे आमे आ से बच गया बेटा। अबे यार पावर आ रहा, भाग भाग ऐसे आ गया, सैटरडे क्रश आया था भाई। अच्छा डॉज कर लिया मैंने, चल बेटा आ जा, कॉम्बो मिस नहीं करना, जितना ज्यादा कॉम्बो उतना ज्यादा इफेक्ट। लेट गो कामे आमे आ, कनेक्ट हो गया गाइस, कनेक्ट हो गया, क्या बात है। चलो उसके पास चलते फटाफट, उसको अटैक करते, लेट्स गो। ये वाला मेरे को लग रहा है इसी जी जाऊंगा मैं, वैसे पिकलो की जरूरत नहीं थी, पिकलो फिर भी आगे बीच में मार रहा है इसको, पिकलो मैं अकेले मार सकता हूँ बेटा, मेरे पास इतनी पावर। लेट्स गो एक और कामे आमे आ, परफेक्ट निशाने पे गाइस। यार ये देखो, पहले तो सैयन नहीं बन पाऊंगा मैं, सैयन बनने के लिए जब सैयन बनूंगा ना, ये पूरे बाल मेरे गोल्डन गोल्डन हो जाएंगे। वो तो जब फ्रीजा से फाइट होगी, फ्रीजा कौन है पता चल जाएगा आगे तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को हिंट देता हूँ कि जब फ्रीजा सागा चालू होता है ना, जब फ्रीजा आता है ना, तब गोकू सुपर सैयन बनता है। जब गोकू सुपर सैयन बनता है भाई, जो वो पावरफुल बन जाता है ना लिटरली, मैं तुमको बता। लेट्स गो, अभी पावर अनलीज करते हैं, उसकी बारी है गाइस हराने की, और यहाँ पर अपनी पावर अनलीज हो चुकी है। अब तो भाई साहब इतनी जल्दी मारूंगा ना बेटा, ये लो ब्रेक भाई साहब। मुझे लगा था मर गया मैं, इसे थोड़ा रुक जाता कि भाई तू खत्म हो जा, बट यहाँ पर खत्म नहीं होता, फिर मैं आता हूँ जोश में और फिर मारता हूँ। लेट्स गो, ये देखो थंडर अटैक किया और ये गया गाइस, भाई क्या गंदा वाला गया भाई, तोड़ते हुए गया वहां पर, क्या मारा है भाई मैंने। ओ भाई तगड़ा फाइट मारा था, फिर से आ गया भाई लौंडा, ये तो खतरनाक जहर लेवल 4 लेवल का हो चुका हूं मैं। रेडिट्स क्या बोल रहा है, वॉरेन स्मार्ट इनफ टू हेड वार्निंग, तो ये बोल रहा है कि भाई तू अकेला होता तो मुझे नहीं मार पाता, तुम दोनों ने साथ मिल के बहुत सही काम किया, बट ये कभी चलने वाला नहीं है, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। ये सुन के तो मुझे गुस्सा आता है भाई, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, गोकू की बेइज्जती कर रहा है, अब तो तू बेटा फाइट लेगा मेरे से, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भी काम करो भाई, मैं अकेले फाइट करता हूं। पिकोलो बोलता है कि भाई तूने कुछ नया को सीखा है, तो मैं बोलता नहीं भाई, गोकू तो यहां पर अपने घर पे खाना पीना बनाने में बिजी था। तो उसी बीच भाई यहाँ पर जो पिकोलो है ना, वो बोलता है कि मेरे पास ना एक नया स्ट्रेटेजी है, मेरे पास एक नया पावर है, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था और मैं एक नया पावर सीखा हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए होता है कि मेरे सारी एनर्जी ना मैं एकत्रता कर लूं, मतलब एक पॉइंट पे लाऊं फिर अटैक करूं। उसको कहते हैं गाइस बता दो क्या कहते हैं, तो गोकू बोलता है ठीक है तुझे जो करना है कर, मैं तेरे को टाइम देता हूं, मैं इसको अकेले फाइट करता हूं। तो पिकोलो बोलता है ठीक है, मेरे पास जब टाइम आ जाएगा ना चार्ज करने का, मैं परफेक्ट जगह पे निशाना लेके मारूंगा, क्योंकि वो अटैक अगर लग गया ना तो रेडिट्स का गेम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पिकोलो को मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, पिकोलो भी काम कर, तू लग जा बेटा अपने काम पे, पूरी तरीके से पावर को जनरेट कर ले, फिर मैं तेरे को मिलता हूँ, क्योंकि भाई अभी राइट नाउ मैं अकेले फाइट करने वाला हूँ रेडिट्स के साथ। तो देखो गाइस, पिकोलो लग चुका है स्पेशल बीम कैनन के अंदर, जिसमें वो पूरी पावर एक जगह लाएगा और उसके बाद इस पे अटैक करेगा, तो उसको टाइम चाहिए, उतने टाइम के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इससे फाइट लेते, और ये वाली फाइट लंबी चलने वाली, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और ये मेरे को बहुत तगड़े तरीके से टफ फाइट देने वाला है, और अभी भी अपन इतने जल्दी आसानी से हारने वाले नहीं है। लेट्स गो, ये देखो गाइस कितना खतरनाक, कितने ज्यादा मारेगा, बस बस भाई सबर कर, आराम से, रिस्क मत ले, लेट्स गो भाई, दूर भागे वो लग गया गाइस। मेरे को जितना होना उतना ज्यादा ब्लॉक भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉक करूंगा तो मुझे आधा डैमेज करेगा, वरना अगर ब्लॉक नहीं करूंगा, ये आया डबल संडे। अबे ये क्या चीज है बे, ये तेरी तो बे लग गया तो मैं तो गया भाई, भेजा फ्राई हो जाएगा मेरा बे भाई साहब। चलो भाई कोई बात नहीं, डॉस तो मैंने कर लिया, थोड़ा पावर से कम हो चुका है, चलो डैमेज देते भाई, दूर दूर दूर, लेट्स गो भाई। सब मैंने कहा था ना जितना ज्यादा पावर, थोड़ा दूर रहूंगा मैं तो सही रहेगा मेरे लिए। ये देखो आया आया आया, सैटरडे क्रैश आया, लेट्स गो भाई। इसको डॉज करना बहुत इजी है अपने सुपर सैयन के लिए, सुपर सैयन तो नहीं बना फिर भी ठीक है, गोकू सैयन के लिए, लेट्स गो कामे आमे हाँ। ये टाइम सही था, जब मैं उसको मारूंगा, जब वो पीछे जाएगा तो परफेक्ट टाइम रहेगा कामे आमे हाँ इस्तेमाल करने, जिससे ज्यादा डैमेज पड़ सकता है। आया गाइस सैटरडे क्रैश आया, लोग डॉज करते हैं, डॉज करते करते अपन मारेंगे, जितना मतलब नजदीक जाके मारेंगे ना उतना ज्यादा फायदा रहेगा, और कॉम्बो को याद रखना, कॉम्बो को अपने को दूर जाने नहीं देना है, डॉज कर भाई, ब्लॉक कर, लेट्स गो। ये डैमेज पड़ता ना तो तुम्हारा भाई की आधी एचपी ही भी खत्म हो जाती है। यस बॉयस, अब अरे कामे आमे इस्तेमाल करने की, परफेक्ट नेम कामे आमे यहां का, क्या बात, तुम्हारा भाई प्रो बनते चला यार, धीरे धीरे जैसे गेम आगे बढ़ रहा तुम्हारा भाई प्रो बनते चला। रुक रुक पावर पूरा अपग्रेड करने दे, पावर अपग्रेड नहीं हो रही भाई, क्या हुआ भाई, मैं पावर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था, पावर अपग्रेड हुई नहीं मेरे से पूरी, तो टाइम ही नहीं मिला मेरे को, मेरे को लगा वो मार देगा, इसीलिए मैंने पावर अपग्रेड करना छोड़ दिया, उसको डॉज करके फिर मारते। लेट्स गो, देख रहे हो गाइस ये आया, गाइस आया गुस्सा, इसको क्या मारने वाला अभी, ये भाई ये क्या चीज निकाल दिया उसने, सैटरडे क्रैश और भी हार्ड
वाला, पहले वो एक ही निकाल रहा था, अभी उसने बहुत सारे निकाल दिया, उसके बाद वो नीम लेके मार रहा है मेरे को। आया भाई सौ भाई तेरी तो बहुत ज्यादा डैमेज पड़ गया भाई। एक और डैमेज, अच्छा वो मैंने ब्लॉक कर लिया था भाई, ये डैमेज 4000 का डैमेज सब गाइस। यस गो, ये मोमेंट तक कामयाब है। आई जब मैं देखा ये चीज नोटिस की, जब वो सैटरडे क्रैश इस्तेमाल किया फिर उसने आके अटैक किया तो वो कमजोर हो गया था, एक जगह पे रुक गया था, उसकी पावर थोड़ी कम हो गई, तब मेरे को इस्तेमाल किया मैंने कामयाब है। हां परफेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद एक और टाइम कामयाब है इस्तेमाल करने का। लेट्स गो, उसको टाइम नहीं मिलेगा हिलने को। परफेक्ट निशाना, लेट्स गो, बिंगो गाइस, 83 का कॉम्बो, क्या बात है तुम्हारा भाई। मैंने कहा ना गोकू इज खतरनाक प्लेयर गाइस। आया फिर से, आया फिर से, डॉ भी लग गया भाई, लगा नहीं डॉच, लगा दो तीन लग गए मेरे को, डॉच करना था मेरे को, पर ठीक है कोई बात नहीं। आ जाओ अभी ट्राई करेंगे अपन फिर से अपने जो पावर है ना उसको एक साथ लाने के लिए, और फिर से उस पावर को लॉन्च करके अपग्रेड करने की, रुको पहले इससे बचने दो। ये आया गाइस गुस्से में, आ गया, आया गुस्से में, आया आया साइकिल लो ना भाई, क्या मारा 5000 डैमेज। अच्छा उस टाइम मैंने ब्लॉक किया था, अबे फिर से, अबे भाई रुक जा, लेट्स गो, आ रहा है, रुको थोड़ा डॉच करते फिर मारेंगे। लग गए भाई, क्या बचाओ। यस एक और काम ही हमें, हाँ एचपी देख रहे हो 2000 पे आ चुकी है, इसके बाद एक और राउंड आएगा उसके एचपी का। लेट्स गो, अभी मूवमेंट है गाइस, वो थोड़ा वहां पर है तो अपन पावर अपग्रेड कर सकते। यस गाइस पावर अपग्रेड हो चुका है तुम्हारे भाई की पूरी। अब आजा बेटा, अब तो तू दुख गया, ये ले बेटा, अब जो नॉर्मल स्पीड थी ना उससे ज्यादा स्पीड में मारने वाला, इसको इतने स्पीड में मारूंगा ना कि भाई तू सोचेगा भी नहीं कब मैं आया यहाँ से मार के गया, कब मैं आया वहां से मार के गया, तुझे पता नहीं चलने वाला है। लेट्स गो यार, ये क्या मारा है भाई साहब, रॉक पेपर सीजर जो अटैक मारता है ना बहुत गंदा मारता है हमारा गोकू। लेट्स गो, हार गया रेडिट्स, हार गया बेटा रेडिट्स, तेरा टाइम अभी खत्म हो चुका है, अब तू नहीं बच पाएगा गाइस। बट इसने फिर से पावर अपग्रेड कर लिया। आया गाइस सैटरडे क्रैश, आया अब ये पास में आएगा, मुझे पता है ये मेरे परफेक्ट पास में आएगा, जोर से फिर मारेगा अपना लात। मैंने कहा था ना मारेगा, इसलिए ब्लॉक पहले करके रखा था। 2200 फिर भी एक फटका लग गया मेरे को, मैं भी आ चुका हूँ मरने के नौबत पे गाइस, भी मरने वाला है। और मेरी एचपी देखो गाइस, मेरी भी कम हो चुकी है, लास्ट एचपी में चल रहा हूँ। अगर मैंने गलती करी दो गलती कर दी भाई, यार मरने वाला हूँ क्या मैं, रुक जाओ, अबे तीन गलती कर दी। अरे भाई 300 पे मैं हूँ, और ये अच्छा हुआ गाइस, ये बहुत सही हुआ, वो टाइम पे ना बेहोश हो गया, ये अच्छा मोमेंट है। 300 पे मैं हूँ, 300 पे वो भी है, लेट्स गो, मोमेंट छोड़ना नहीं है, ब्लॉक कर। यस गाइस ये टाइम है, लेट्स गो भाई, मैं मरने वाला था, 200 एचपी थी मेरी, बट ये क्या हो गया तेरी तो भाई साहब, ये चीज गलत हो गई भाई, उसने बहुत गंदा मारा, चीटिंग करके मेरे को पीछे से आके मार दिया यार उसने मेरे को, ये तो नहीं चलेगा ना यार। ये क्या देख रहा है भाई, देखो इसको पता चल गया हमारा प्लान, पिकोलो का स्पेशल बीम कैनन, इसको पता चल गया अभी भी पिकोलो लगा हुआ है अपनी पूरी पावर अपनी फिंगर पे लाने के लिए, जिसके बाद वो छोड़ेगा स्पेशल बीम अटैक। ये देखो गाइस, ये जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को, गोकू ने स्मार्ट प्ले किया, उसका जो पूछ होता है ना उनकी कमजोरी होती है, बहुत ज्यादा ताकत उनकी पूछ में होती है, और ये जो बंदर होते बहुत बड़े बंदर होते बट ये अपर्स नॉर्मल बन जाते, तो इसकी पूछ में वो पावर होती, इसलिए ये पूछ से डर गया। और ये कहता है कि भाई भिखारी से भीख मांगता है गोकू से कि भाई छोड़ दे, मैं तेरा भाई हूँ, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मैं कभी जिंदगी में यहाँ से नहीं आऊंगा, मैं कभी सोचूंगा नहीं प्लेनेट के बारे में, तू अपना जिंदगी जी, मैं तेरा भाई हूँ, हम लोग एक ही साथ में रहते थे, एक ही जगह पे पहले बड़े, सब उसको मतलब ब्लैकमेल करता है। और ये हमारा गोकू इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि भाई वो उसके बहलाए फुसलाए में आ जाता है, और जैसे ही उसके बातों में आ जाता है वो पूछ छोड़ता है, और उसके बाद अभी तुम देखो क्या होने वाला है। ये आया गाइस फटका, मैंने कहा था ना ज्यादा हमदर्दी भी सही नहीं होती है, बट ये देख के ना बाप को मारा हुआ देख के ना बेटे को आता है गुस्सा। अब देखना गाइस गोहान की एंट्री, पावर लेवल क्या होने वाला है गोहान का, ये रेडिट्स तो पागल हो जाएगा गोहान की पावर देख के। देखो कैसे गोहान निकलेगा वो छोटे से स्पेसशिप के अंदर से, और जो इसको मारने वाला है ना गाइस, अबे कब तक करेगा, मार दे वरना गोकू को मार देगा वो, अभी तक तू पावर जनरेट कर रहा है भाई, कब मारेगा, कितना टाइम लेगा पावर जनरेट करने का। और ये कह रहा है कि अगर इसको डॉच कर लिया तो हम लोग मर गए, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। बट तुमको मैंने कहा था ना अभी आने वाला सरप्राइज पैकेज, ये देखो गाइस आया सरप्राइज, और इसके अंदर भी एक बहुत खतरनाक पावर, और ये हो गया गाइस आउट ऑफ कंट्रोल हमारा छोटा सा गोहान। और अब देखो गाइस इसकी पावर क्या मतलब क्या मारता है ना उसको, इतने गुस्से में देखो गाइस, ये आया गुस्सा और ये मारा गाइस, लेट्स गो, देख लो कितना गंदा मारा है। और इसी मारने के बाद ना हमें मिल जाता है एक मूवमेंट जिसमें हम लोग इसको मारने वाले, अभी कैसे मारने वाले, तुम लोग के आंखों में आंसू भी आ सकता है अगर तुम लोग जानते हो सीरीज के बारे में, तो तुमको पता होगा हम लोग कैसे मारने वाले, अगर नहीं पता रहेगा तो अभी तुम लोग देखोगे कि भाई ये चीज क्या होने वाली है, अभी तुम लोग देखोगे असली में कुर्बानी किसको कहते। तो यहाँ देखो गोकू ने पकड़ लिया रेडिट्स को और छोड़ने को तैयार नहीं, और गोकू बोलता है कि पिकोलो ये तेरा चांस है,
दे, अब तू मार दे स्पेशल बीम कैनन। और जैसी पिकलो स्पेशल बीम कैनन मारता है, दोनों को आर पार हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। और रेडिट्स सोचता है कितना बड़ा पागल है, बट यार रेडिट्स को पता नहीं है प्लैनेट अर्थ में ना ड्रैगन बॉल नाम की चीज होती है, जो ये पिकलो बता रहा है रेडिट्स को ड्रैगन बॉल के बारे में। और रेडिट्स बोलता है कि जो तूने मुझे बताया ना, वो मेरे सारे बातें चली गई मेरे दोस्तों के पास, वो बातें जो भी थी ना यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो कि है भाई साहब ये बंदे के पास प्लैनेट ऑफ वेजिटा का प्रिंस, ऑल प्रिंस सेयन वेजिटा। इसके बाद बात आ चुकी कि ड्रैगन बॉल नाम की कोई चीज थी प्लैनेट अर्थ पे, अगर तुम उसको जमा कर लोगे ना, अगर तुम उसको सुमोन कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास एक पावर आ जाएगी कि तुम लोग विश मांग सकते हो और एक ड्रैगन बहुत बड़ा बाहर निकलेगा और तुम्हारी विशेस पूरी करेगा, कोई भी दो विश तुम्हारी वो पूरी करता है। यही लालच में ना गाइस वेजिटा जाने वाला है प्लैनेट अर्थ की तरफ, और ये तो भाई मचने वाली लिटरली अगले एपिसोड में तुम लोग देखने वाले हो गोकू वर्सेस नापा टकलिया और गोकू वर्सेस प्रिंस ऑफ सेयन जो कि है वेजिटा, ये तीनों के बीच में खतरनाक फाइट तुम लोग देखने वाले हो अगले एपिसोड में। तो यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग कर रही यहाँ से अर्थ की तरफ जाने के लिए, और अर्थ की तरफ जाते जाते इनको एक साल लगने वाला है, तो एक साल में क्या होने वाला है, कैसे हम लोग इसको प्रिपरेशन करने वाले, कैसे हम लोग वेजिटा को हराने वाले, नापा को हराने वाले, वो तुमको पता चलने वाले आने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड के अंदर। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देखो ये दोनों निकल चुके हैं, तुम लोग को वीडियो कैसा लगा फटाफट बताना कमेंट सेक्शन में, मजा आया रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इंटरेस्टिंग ड्रैगन बॉल जी के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन द्वारा मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में।